हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल बॉबीज गार्डन। आज मैं आपको ऐसा इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो कि बनाना बहुत आसान है और इसको यूज़ करने से आपके मनी प्लांट की ग्रोथ हज़ार गुना बढ़ जाएगी। जो बिगनर होते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसको यूज़ करने से आपके पौधों की ग्रोथ बढ़ जाएगी। मनी प्लांट ही नहीं, अगर आप किसी और प्लांट में भी उसे डालते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दाल ली है। इस दाल को मैंने अच्छे से पहले भिगो के रखा था 1 घंटे के लिए। अब इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब जो भी इसमें से पानी निकलेगा मैं अपने मनी प्लांट में डालूंगी। आपको भी ऐसे ही करना है। जो भी आपके किचन में आप जब काम करते हैं, दाल बनाते हैं या चावल, कोई भी चावल का पानी, दाल का पानी, कोई सी भी दाल का पानी, छोले का पानी, आप कोई सी भी दाल का पानी हो, आपको वह पानी फेंकना नहीं है। वो आपको यूज़ करना है अपने प्लांट्स में। आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मनी प्लांट में ही यूज़ करें, आप सभी प्लांट्स में उसको यूज़ करें तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये आप बोतल में डाल लें। अब ये पानी बोतल में डालने के बाद स्प्रे कर लें। स्प्रे करने के बाद आपको अपने पौधों की ग्रोथ नज़र आएगी, कितनी ग्रोथ हुई है और कितनी अमेजिंग रूप से इसकी ग्रोथ होगी। और आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि इस सिर्फ एक दाल के पानी से इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, पहले इस बोतल में जो है इस पानी डाला है, इसको जो ये दाल का पानी है हम इस पर स्प्रे कर लेंगे। स्प्रे करने के बाद अब हम इसको थोड़ा थोड़ा इस गमले की मिट्टी में भी डाल देंगे। और जो मेरे पास ये प्लांट्स हैं सब में मैं एक एक करके स्प्रे कर दूंगी। अभी स्प्रे करने के बाद जो मेरे पास पानी बचा है मैं इसमें और पानी मिला लूँगी। और अब सारे ही पौधे जितने भी मेरे पास प्लांट हैं ये सब सारे प्लांट्स में मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी। मैं ये हर हफ्ते ऐसा करती रहती हूँ। अगर मैं 2 दिन में भी अगर दाल बनाती हूँ या चावल बनाती हूँ तो भी मैं पानी डालती हूँ। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा आपके प्लांट्स को। अगर आप इसको दूसरे दिन भी डालेंगे तो उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ना ही आपके प्लांट्स को कोई हार्म होगा। इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जितना भी आपके किचन में जो पानी है, दाल का, चावल का, जो भी है, वो आप अपने प्लांट्स में डालें। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि पानी हमें उबला हुआ नहीं डालना है कि आपने दाल को उबाला या उसका चावल उबाले उसका पानी डाल दिया। आपको वो पानी नहीं डालना है, आपको ये ऐसा ही डायरेक्ट पानी डालना है। तो कितना आसान है फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। निकाला, तुरंत अपने प्लांट्स में डाल दिया, ना ही इसका वेट करना है कि कब ये तैयार होगा, कब वो करा, कब इसको हम अपने प्लांट्स में डालेंगे, पता नहीं कितना समय लगेगा। आपको ये कुछ भी सोचने या करने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत निकालें, धोएं इसको, पानी डायरेक्टली आप अपने प्लांट्स में डाल दो। अगर आपको स्प्रे करने का भी समय नहीं है तो आप स्प्रे मत कीजिए, आप ऐसे ही डालते रहें, तब भी आपको समय मिले आप स्प्रे कर दें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।